ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे कि जो शादी से पहला वाला अफेयर होता है, बेशक वो हस्बैंड का हो या वाइफ का हो, तो क्या वो अडल्ट्री में कंसिडर किया जाता है या नहीं। सपोज आपको एग्जाम्पल देते हैं, सपोज शादी हुई किसी कपल की, ठीक है, तो बाद में वाइफ को पता चलता है 2-1 महीने बाद कि इसका पहले अफेयर था किसी से, ठीक है, यानी कि इसका अफेयर था। अब वो अफेयर 1 साल पहले भी हो सकता है, 2 साल पहले भी हो सकता है, ठीक है, तो क्या अब इसको जो कोर्ट है, अगर वो डाइवोर्स ले वाइफ, उसको अडल्ट्री मानेगी या नहीं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी नहीं। जो अडल्ट्री होती है वो ना ड्यूरिंग होती है, ड्यूरिंग यानी समझते हो, सपोज आपकी शादी हो गई और शादी के साथ साथ अफेयर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर शादी से 1-2 साल पहले था और अब वो सुधर गया है या वो सुधर गई है, तो उसको अडल्ट्री नहीं बोलते। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक केस था, उसमें क्या होता है, एक शादी होती है, ठीक है, तो उसमें वाइफ को पता चलता है कि इसका एक अफेयर था, यानी कि शादी के 7 साल बाद पता चलता है कि इस पर्सन का अफेयर था, ठीक है, तो जो वाइफ है वो गुस्सा हो जाती है, वो डाइवोर्स का केस फाइल कर देती है, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है। क्यों? वो बहुत पहले की बात है, यानी कि वो प्री मैरिज की बात है, बहुत पहले की, यानी कि उसको बहुत टाइम हो गया, तो ये एक इरिलेवेंट ग्राउंड था, तो उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप सोच रहे हो या फिर आपको इंटरेस्टिंग है ऐसी चीज़ों में, तो देखो शादी से पहले वाला अफेयर यानी कि बहुत पहले वाला, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो कंसिडर किया जाएगा वो है जो ड्यूरिंग, ठीक है, सपोज शादी से पहले था लेकिन वो शादी के बाद भी कंटिन्यू है, तो उसको अडल्ट्री कहा जाएगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर। चिल।